हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग इंग्लिश विजिनर। टुडे वी लर्न वोकैबुलरी। आज की वीडियो में सीखेंगे आप वोकैबुलरी, साथ ही साथ मैंने इनकी हिंदी भी ली है वोकैबुलरी की, ताकि आपको क्लियर हो जाए। बोथ में इंग्लिश एंड हिंदी बोथ में ली है वोकैबुलरी। शब्द जो गुस्से दर्शाते हैं, मैंने वो विकल्प लिए हैं जो शब्द गुस्सा दर्शाते हैं। वोकैबुलरी VOCABULARY वोकैबुलरी। फर्स्ट वर्ड इज एक्रीमोनी। एक्रीमोनी मीनिंग बीटरनेस ऑफ टेम्पर, मीन इज दैट उग्रता, रूखापन या कटुता। एक्रीमोनी ACRIMONY एक्रीमोनी मीनिंग बीटरनेस ऑफ टेम्पर, उग्रता, रूखापन या कटुता। नेक्स्ट वर्ड इज एल्टरकेशन, ये भी गुस्सा दर्शाने का वर्ड है इंग्लिश में। एल्टरकेशन ALTERCATION एल्टरकेशन मीनिंग क्वारल, मीन इज दैट झगड़ा इंग्लिश। ताकत, तकरार, विवाद या झगड़ा। अल्टरकेशन क्वारल, तकरार, विवाद या झगड़ा। नेक्स्ट वर्ड इज एनिमोसिटी। ANIMOSITY एनिमोसिटी मीनिंग एक्टिव एनिमिटी, दुश्मनी, अदावत, बैरियर, देश। एनिमोसिटी दुश्मनी, अदावत, बैरियर, देश। एक्टिव एनिमिनिटी मीनिंग एनिमोनिस्टी दुश्मनी, अदावत। नेक्स्ट वर्ड इज एंटागनिज्म। एंटागनिज्म एक्टिव ओपोजिशन मीनिंग ANTAGONISM एंटागनिज्म मीनिंग एक्टिव ओपोजिशन। मनमुटाव मुख खिलाफत या प्रतिरोध, मनमुटाव मुख खिलाफत या प्रतिरोध। नेक्स्ट इज एंटीपैथी। एंटीपैथी मीनिंग है कंस्टिट्यूशनल एवर्जन। एंटीपैथी ANTIPATHY एंटीपैथी कंस्टिट्यूशनल एवर्जन मीनिंग है हिंदी में चिढ़ या घृणा। एंटीपैथी चिढ़ या घृणा। नेक्स्ट वर्ड इज कंटेंटियसनेस। कंटेंटियसनेस क्वारल समनेस मीनिंग है क्वारल समनेस। कंटेंटियसनेस CONTENTIOUSNESS कंटेंटियसनेस क्वारल समनेस, झगड़ारूपन या कलह प्रियता। कंटेंटियसनेस झगड़ालूपन। नेक्स्ट वर्ड इज डायट्राइब। डायट्राइब पीस ऑफ बिटर क्रिटिज्म। डायट्राइब DIATRIBE डायट्राइब आक्षेप, विवाह या निंदा। DIATRIBE डायट्राइब आक्षेप, विवाह या निंदा। नेक्स्ट वर्ड इज इंडिग्नेशन। इंडिग्नेशन का मीनिंग है इन इंग्लिश फीलिंग्स ऑफ सरप्राइज्ड एंगर। इंडिग्नेशन फीलिंग्स ऑफ सरप्राइज्ड एंगर इंडिग्नेशन INDIGNATION इंडिग्नेशन फीलिंग्स ऑफ सरप्राइज्ड एंगर INDIGNATION इंडिग्नेशन। आक्रोश, आवेश, रोष या क्रोध। आक्रोश, आवेश, रोष या क्रोध मीनिंग सेम है। नेक्स्ट वर्ड इज इनससेबिलिटी। इनससेबिलिटी मीनिंग एंग्री बिहेवियर। इनससेबिलिटी एंग्री बिहेवियर स्पेलिंग INASCIBLITY इनससेबिलिटी एंग्री बिहेवियर मीनिंग चिड़चिड़ापन या बदमिजाज। नेक्स्ट वर्ड इज टेंट्रम। टेंट्रम मीनिंग ए फिट ऑफ इल थर्ड टेम्पर। टेंट्रम अ फिट ऑफ थर्ड टेम्पर स्पेलिंग TANTRUM टेंट्रम TANTRUM टेंट्रम गुस्से का आवेश या चिड़ का आवेश। टेंट्रम गुस्से का आवेश। नेक्स्ट वर्ड इज विरुलेंस। विरुलेंस फुल ऑफ हेटेड। विरुलेंस VIRULENCE विरुलेंस VIRULENCE विरुलेंस। ढा, प्रचंडता,
क्रोध जहरीलापन या विषैलापन। ढ पर्यटंत क्रोध जहरीलापन या विषैलापन। नेक्स्ट वर्ड इज एंड लास्ट वर्ड वर्थ। वर्थ मीनिंग इंडिग्नेशन ग्रेट एंगर। वर्थ WRATH वर्थ मीनिंग इंडिग्नेशन ग्रेट एंगर। कोप रोष या क्रोध वर्थ WRATH वर्थ क्रोध रोष एंड कोप। उम्मीद है फ्रेंड्स मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। ये थे कुछ गुस्से में बोले जाने वाले वर्ड इंग्लिश में वोकैबुलरी। मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में लिखकर जरूर बताना। इफ़ यू लाइक द वीडियो सो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन। और अपने फ्रेंड्सों के साथ शेयर करना मत भूलना ताकि उन्हें भी टाइम पर अपडेट मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।